तो मेरा नाम है विराग देसाई, मैं 23 साल का हूँ। वैसे तो मैं पुणे से हूँ, बट मैं अभी मनाली में हूँ एक ट्रिप के ऊपर। एंड लोग मुझे पहचानते हैं एज अ फोटोग्राफर, एज अ फिल्म मेकर, बट ज़्यादातर लोग मुझे पहचानते हैं एज अ यूट्यूबर। तो आप ये पूछोगे, विराग भाई यूट्यूबर कैसे? आपके चैनल पे तो एक ही वीडियो है। तो देखो, लास्ट 2 साल से मैं ये यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाल रहा हूँ, जहाँ पे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटिंग किया विद बी रोल्स, फिल्म मेकिंग कॉन्टेंट, ट्यूटोरियल्स। बट एक चीज़ जिससे मुझे दिल से प्यार हो गया वो था व्लॉगिंग। बाय द वे, मैं यहाँ पे स्नेहा को यूज़ कर रहा हूँ एज अ रिफ्लेक्टर मेरे मुँह के ऊपर, क्योंकि उसने कुछ शाइनी हुडी पहना है। ठीक, स्नेहा, इफ यू गो अवे। देखिए लाइट कैसे चली जाती है, अभी वापस आ। या देखो कैसे लाइट आ रही है। और जो भी नया है, स्नेहा मेरी बहन है, जो वैसे तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, एंड पता नहीं मैं क्यों ट्रैवल करता हूँ इसके साथ। एक मिनट, जस्ट शट अप। ओके, तो आपका अगला सवाल कि यार कोई बंदा 75,000 सब्सक्राइबर्स छोड़ के एक नया चैनल क्यों खोलेगा? तो देखो, आप सारी चीजें एक जगह पे नहीं कर सकते। मैंने वो चैनल पे बहुत सी अलग अलग चीजें की, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत अलग अलग ऑडियंस आ गई, और मुझे एक ऐसा चैनल चाहिए था जहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक व्लॉगिंग ऑडियंस हो, जिनको मेरे व्लॉग्स देखना पसंद हो। और इसलिए मैंने फैसला ले लिया कि एक नया चैनल खोलना जरूरी है। तो देखो, मुझे थोड़े से और डिटेल्स देने हैं अबाउट दिस चैनल और इस चैनल पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उसके पहले, हम जो ये प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है, तो इसके थोड़े से सिनेमैटिक बी रोल हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो जल्दी से आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। देखो गाइस, हम लोग मनाली कल पहुँचे, पूरा दिन रूम पे चल किया, तो अभी मनाली घूमना ज़रूरी है। थोड़ा सा साइट सीइंग करना पड़ेगा, मनाली का वेदर कैसा है, तो हम लोग अभी उसी के लिए निकल रहे हैं। तो देखो, एक बात सच बताऊँगा, अपने YouTube चैनल को इस तरह से छोड़ के एक नया चैनल करना मेरे लिए बहुत डरावना है। पर कभी कभी हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ रहती है जिसमें हमें ग्रोथ दिखना बंद हो जाता है, और ऐसे टाइम पे इसका सलूशन निकालना और इससे ग्रो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के व्लॉग में से मैं अगर आपको कुछ सोचने के लिए दे सकता हूँ तो ये है कि देखिए और समझिए आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, और इन्हें पीछे छोड़ने के लिए बिल्कुल मत डरिए। ये कोई जॉब हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, और मेरे केस में मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी सी देर हडिम्बा टेम्पल जो था वो एक्सप्लोर किया, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो चुका है, मतलब बहुत टूरिस्ट थे, बहुत लोग थे। सो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नेचर पार्क, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर में है। हाँ, नेचर पार्क जा रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे शॉट्स मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ के ट्रीज एंड देन वेदर इज जस्ट अमेजिंग। खाना है? हाँ, खट्टा खाना है। दो कर दो भैया, दो कर दो। एकदम एस्थेटिकली ओके, बहुत अच्छा शॉट आएगा। 1 2 3 गो भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा बना था। तो भुट्टा तो खा के हो गया, अब किधर जा रहे हैं यार, कुछ तो डिसाइड करो। कुछ बिना प्लान चल रहे ऐसे ही। हम जा रहे नेचर पार्क ना, प्लान नेचर पार्क ही जा रहे हैं ना अभी। हाँ। भी ओ भाई, कुत्ता, कुत्ते से बहुत फटती है। फटती है विराट, तेरी नहीं फटती? नहीं, तेरी फटती है। एक मेन गोल है कि स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना है हम सभी को। वैसे तो हम लोग गलत टाइम पे आ गए फॉर अ स्नोफॉल, बट जैन में होता है ना, मेन थोड़ा अर्ली हो गए, ठीक है यार, बट जो भी बारिश के साइंस है तो शायद स्नोफॉल हो सकता है बिफोर टाइम। लेट्स होप, नहीं तो फिर कल हमारे पास एक बैकअप प्लान है। yes. स्नोफॉल नहीं हुआ तो कहीं और जाएंगे स्नो एक्सपीरियंस करने के लिए। काफी वॉकिंग करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं टू द क्या जगह का नाम है, नेचर पार्क। नेचर पार्क, और वाओ भाई साहब, ये देखो, लुक एट द साइज ऑफ द ट्रीज भाई, ये अपने महाराष्ट्र में ऐसा देखने को नहीं मिलता, ये यहीं पे मिल सकता है। तो यहाँ पे प्लान है यार, कुछ इंस्टाग्राम रील्स बनाएंगे मुझे अपने नए यूट्यूब। अरे अरे अरे, क्या हो गया? ये ज़िपलाइन, ज़िपलाइन। दूसरा काम करना है कि अभी नया यूट्यूब चैनल खोला है तो एक फ्रेश सा DP भी चाहिए, तो उसके लिए भी एक फ़ोटो शूट करवाना है, एंड या देन वी शुड बी डन।
हम लोगों ने ये खूबसूरत से लोकेशन पे बहुत सारे रील्स बनाए, बहुत से फोटोज लिए, बट अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे कि आपको ये चैनल से क्या एक्सपेक्टेड रहेगा और क्यों आपको इसे अभी के अभी सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ये चैनल में मेनली 5 चीज़ें रहेगी, वो है फिल्म मेकिंग, ट्रैवल, व्लॉग्स, बहुत सारा मज़ा एंड फाइनली मैं। तो अगर आपको अब तक ये वीडियो का वाइब अच्छा लग रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में ऐसे बहुत से अमेजिंग एक्सपीरियंसेस और एडवेंचर्स करने वाले हैं। कभी खा सकते हो, चलेगा, लेट्स गो। अभी शूट हो गया, सबको लगी है भूख, तो जल्दी से डिस्कशन हो रहा है। वेरी कोल्ड, क्या मोमोज खाना है? या आई वांट टू हैव मोमोज। सो यार सामने दुकान में अच्छा देता है, क्योंकि मैंने चाहा कि इतना दूर मॉल रोड जाए हम लोग, फिर वापस आए, अनदर टाइम वेस्ट होगा। चलो फिर मनाली, मनाली क्या बोल रहा हूँ, मोमोज खाने ही चलते हैं। मुझे अच्छा मैं मोमोज खाने का मन नहीं है, बट कर लेते हैं ट्राई। कुछ और खा लेना, वहाँ ऑप्शन कुछ तो होगा। मैगी खा लेंगे। चलो बर्गर। तो मोमोज खाने का मन नहीं था मेरे को, तो दोनों को कन्विंस करके मैं बर्गर खाने लेके आया। खुश हो तुम लोग? मेरे को मोमोज खाने थे। देखो भी मोमोज खाने थे। मैं को डोमिनेट्स विरा। तो मेरी ही सुनना है ना। गाइस खा के अगर हो गया, अभी बैक टू दी होटल रूम, थोड़ी देर कुछ काम करना है और फिर शायद रात को वापस बाहर निकलेंगे। लेट्स सी। यस यस। फाइनली गाइस हम लोग घर पे आए, हम लोगों ने कुछ 2-3 घंटे काम किया एंड यू नो मेरे पुणे में बहुत सारे क्लाइंटेल का है, काफ़ी सारा वर्क चालू है, तो मुझे यहाँ पे ट्रैवल करते वक्त भी मुझे थोड़ा सा संभालना पड़ता है, बिकॉज एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। बट इसी के साथ आज का ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। छोटा स्नेहा यार, आई नो एक छोटा सा व्लॉग था, बट दिस वॉज जस्ट द इंट्रोडक्शन, मतलब एक ट्रेलर था टू द थिंग्स आर कमिंग अप इन द फ्यूचर। बड़े बड़े व्लॉग्स आएंगे, काफ़ी सिनेमैटिक व्लॉग्स आएंगे, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दे एंड या मैं आपको मिलता हूँ अगली बार।